आज हरियाणा में कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव कराए जा रहे हैं। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मतदान की प्रक्रिया हुई, उसके बाद 3 से 4 बजे तक नामांकन व 7:30 से 9:30 तक पैनल का चुनाव होगा। रात को 11 बजे अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। विभिन्न छात्र संगठन अप्रत्यक्ष चुनाव का विरोध कर रहे हैं, छात्र प्रत्यक्ष चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों के विरोध को देखते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भारी पुलिस बल तैनात है। कोई चुनाव नहीं चल रहा आज विश्वविद्यालय के अंदर, आप देखेंगे 222 सीटें हैं टोटल सीआर की, लेकिन केवल 11 सीटों के ऊपर चुनाव चल रहा है। क्या इसे चुनाव चल रहा कह सकते हैं? कोई चुनाव नहीं है। पूर्ण तौर पर तमाम संस्थानों के अंदर विद्यार्थी समुदाय ने चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर दिया है। विश्वविद्यालयों के अंदर कोई विद्यार्थी नहीं है, ना कोई चुनाव हो रहा है। यह केवल एक दिखावा है ताकि ये बीवीपी को स्थापित किया जा सके।